नमस्कार, मैं प्रिया। आज 5 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नियुक्ति तो हुई लेकिन शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। बीसीईसी परीक्षा के लिए जारी हुई तारीख। 100% लक्ष्य पर पहुंची हर घर नल जल योजना। इस साल बिहार के एक और टाइगर रिजर्व को मिलेगी मंजूरी। बिहार एसटीएफ का होगा अब अपना ट्रेनिंग सेंटर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीसीईसी परीक्षा के लिए जारी हुई तारीख। बिहार के सरकारी नर्सिंग, फार्मेसी, कृषि, मेडिकल कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 24 और 25 जुलाई को आयोजित होने वाली है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत अब ऑनलाइन आवेदन की तारीख 6 से बढ़ाकर 20 जून कर दी गई है। अभ्यर्थी 20 जून तक आवेदन करेंगे और चालान से पेमेंट भी कर सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट 21 जून तक कर सकेंगे। हालांकि अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार 24 से 26 जून तक 11:59 तक कर सकते हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 12 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए रखे गए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे लव सिन्हा की। लव सिन्हा एक भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्म सदिया में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने जेपी दत्ता की पलटन में भी अभिनय किया। वो शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के पुत्र हैं। उनके दो छोटे भाई बहन हैं, जुड़वा भाई कुश सिन्हा और बहन अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हैं। उन्होंने 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था लेकिन भाजपा के नितिन नवीन से 39,036 वोट से हार गए थे। आपको बता दें लव सिन्हा का जन्म आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में साल 1983 को हुआ था। 100% लक्ष्य पर पहुंची हर घर नल की योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना 100% लक्ष्य के दहलीज पर पहुंच गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 38 में से 14 जिलों के 99% से अधिक घरों में नल का जल पहुंच चुका है। राज्य के घरों में नल जल पहुंचने का औसत आंकड़ा 98.12% है। इस योजना के कार्यान्वयन की जवाबदेही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नगर विकास एवं पंचायती राज को है। जल शक्ति मंत्रालय की 3 जून की रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों ने 99% से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। पेपर लीक के बाद इस विश्वविद्यालय ने लिया बड़ा निर्णय। बिहार में पेपर लीक अब आम बात हो गई है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं पीटी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा आरंभ होने से पहले ही व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया। एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि अब फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस बार परीक्षा बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस मामले को लेकर कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि परीक्षा की सुचिता से किसी हाल में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच करेगी। पकड़े गए दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ही बताया कि अब इस मामले की तकनीकी जांच के लिए एसएसपी को पत्र भेजा गया है और आंतरिक जांच के लिए 3 दिन की कमेटी गठित की गई है। बिहार के जर्दालु आम की पहली खेप लंदन के लिए हुई रवाना। बिहार में आम के निर्यात का काम शुरू हो गया है। बिहार के जर्दालु आम की पहली खेप भी लंदन के लिए रवाना कर दी गई है। ताजा जानकारी के अनुसार 1 टन आम को लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित मैंगो पैक हाउस से दिल्ली भेज दिया गया है जिसके बाद ही उसे लंदन के लिए भी रवाना कर दिया गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अभी दशहरी के ऑर्डर आ रहे हैं। फलों के राजा की पहली खेप 10 को जाएगी। दशहरी की मांग खाड़ी देश में ज्यादा है, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने निकाली रिक्तियां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सहायक निदेशक, जूनियर सिविल इंजीनियर, जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जूनियर ट्रांसलेटर, प्लानिंग के कुल मिलाकर 279 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो योजना वास्तुकला, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री, डिप्लोमा या अनुवाद के प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी या हिंदी में स्नातकोत्तर में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने की तारीख 11 जून 2022 से 10 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in पर विस्तृत जानकारी जांच कर सकते हैं और साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार की सीमा पर पहुंच गया मॉनसून, अच्छी बारिश के आसार। बिहार में मॉनसून का असर जल्द ही देखने को मिलने वाला है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मॉनसून समय से पहले बिहार की सीमा पर पहुंच चुका है जिसके बाद ही वैज्ञानिकों ने अब अच्छी बारिश की उम्मीद भी जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मॉनसून बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में मॉनसून का प्रवेश पूर्णिया जिले के रास्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। IMD की तरफ से जारी मानचित्र के मुताबिक मॉनसून बिहार की सीमा पर पहुंच गया है और अगर मॉनसून इसी गति से बढ़ता रहा तो 10 जून से पहले बिहार में यह प्रवेश कर जाएगा।
इस साल बिहार के एक और टाइगर रिजर्व को मिलेगी मंजूरी। बिहार वासियों को इस बार एक और टाइगर रिजर्व की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि पिछले महीने केंद्रीय टीम ने कैमूर वन क्षेत्र का दौरा कर आबादी और जंगल वाले हिस्से की जानकारी ली है, जिसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कैमूर वन अभयारण्य को इस साल टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिल जाएगी। इसके लिए यह राज्य में VTR के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसके लिए कोर एरिया, बफर एरिया और कॉरिडोर को चिन्हित किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी उन्हें सभी स्थितियों से अवगत करवाया था। अब केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से टाइगर रिजर्व के लिए अंतिम प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। बिहार STF का होगा अब अपना ट्रेनिंग सेंटर। बिहार के स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि बिहार STF को जल्द ही उसके खुद का STF सेंटर मिलने वाला है, यानी कि STF को 22 साल बाद अपना ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, जिसमें 200 जवान एक ही बार में ट्रेनिंग ले सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि STF के पास अपना कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। साल 2015 में बोधगया में STF के लिए ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसके बन जाने के साथ ही अब यहां एक बार में 200 जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। STF के अलावा अन्य बलों के जवानों को भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। जरूरत के मुताबिक जिला पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों को भी उक्त सेंटर में कमांडो और जंगल वार फायर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। इस स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने और मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद ये धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। बिहार में खपत से ज्यादा हुआ बिजली का उत्पादन। एक वक्त था जो बिहार में बिजली की बड़ी समस्या थी, और एक आज का वक्त है जब बिहार में बिजली का उत्पादन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है। ये दावे हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आंकड़े ऊर्जा विभाग ने पेश किए हैं। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2012 में 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन आज राज्य में बिजली का उत्पादन की क्षमता बढ़कर 14000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। इसी के साथ बिहार सरकार का दावा है कि राज्य के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। हर घर बिजली कनेक्शन के कारण बिहार में उपभोक्ताओं की संख्या में हुई वृद्धि को नकारा नहीं जा सकता है। इससे सस्ता और बेहतर AC सफाई और कहीं नहीं। अगर आपका AC गर्मी में ठंडी हवा कम या नहीं दे रहा है, तो उसकी सफाई करने की जरूरत है। ऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमें 9608770922 पर कॉल करें। हम लोग स्पेशलिटी क्लीनिंग बैग के साथ सफाई करते हैं। स्प्लिट AC में अप्लायंस के सामने एयर फिल्टर होता है, जिसे बेहतर कूलिंग के लिए धोना जरूरी होता है। इस दौरान हम AC को ब्लोअर कंपार्टमेंट वैक्यूम की मदद से आपके AC की सफाई करते हैं, जिसके बाद आपका AC एक बार फिर से पहले की तरह शानदार और ठंडी हवा देने लगता है। हमारे यहाँ विंडो AC की सफाई सिर्फ 300 रुपये में, तो वहीं स्प्लिट AC की सफाई सिर्फ 400 रुपये में की जाती है। अभी यह सुविधा सिर्फ पटना शहर के लिए। आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप हमें जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पटना से गांधी सेतु पर अब नहीं लगेगा जाम। आने वाले समय में अगर आप भी गांधी सेतु की सैर करने जाएंगे, तो आपको भी जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही बिहार वासियों को नितिन गडकरी और CM नीतीश बड़ी सौगात देने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार 7 जून को बिहार के मुखिया महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी हिस्से को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। इसके बाद पुल के दोनों लेन से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बिहार के राज्य सड़क निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने 31 जुलाई 2020 को 5.57 किलोमीटर लंबे MG सेतु पर यातायात को हरी झंडी दिखाई थी। ये उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच लाइफलाइन है। हालांकि तब ये आयोजन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। गडकरी कोविड के कारण नई दिल्ली से इसमें शामिल हुए थे। बिहार में रुकेंगे हिट एंड रन के मामले। बिहार में अब जल्द ही सड़क हादसों में कमी आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए ही बिहार की नीतीश सरकार मानव बल की तैनाती करने वाली है, जिसके तहत ही सरकार की कोशिश है कि राज्य के उन स्थानों की पहचान कर पुलिस प्रशासन के कर्मियों की तैनाती की जाए, जहां हिट एंड रन के मामले अधिक हो रहे हैं। मानव बल की तैनाती से ये भी पता चल सकेगा कि आखिर किन कारणों से वहां इस तरह की घटनाएं अधिक हो रही है, और उसके अनुसार उसका समाधान भी हो सकेगा। परिवहन विभाग की माने तो पिछले दिनों हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये उभर कर सामने आया कि बिहार में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में 40% जान गंवाने का मामला हिट एंड रन से जुड़ा होता है। आलम कुछ यूं है कि इसके कारण सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या भी देश के अन्य राज्यों से बिहार में अधिक है।
बिहार में यहां बनेगा अनोखा पावर प्लांट। बिहार में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पंप स्टोरेज स्कीम के तहत जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इसको लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान सतलज जल विद्युत निगम को जिम्मेदारी सौंप दी है। पंप स्टोरेज स्कीम के तहत यह व्यवस्था है कि शाम 5 बजे जैसे ही सौर ऊर्जा की आपूर्ति बंद होगी, वैसे ही पंप स्टोरेज स्कीम के तहत बनी जल विद्युत इकाई से बिजली मिलना आरंभ हो जाएगा। योजना के अनुसार सबसे पहले कैमूर के हथियाध और दुर्गावती में ये योजना आरंभ होनी है। सतलज जल विद्युत निगम को बिहार में पंप स्टोरेज स्कीम पर ऊर्जा मंत्रालय ने जो अनुमति दी है उस संबंध में ऊर्जा विभाग को पत्र मिल चुका है। जल्द काम शुरू कराए जाने का पत्र ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा ने दी नीतीश सरकार को नसीहत। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि अब जल्द ही जनगणना होने वाली है। ऐसे में लगातार बयानबाजियों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। अब इस बीच भाजपा ने भी इस मामले में नीतीश सरकार को दो टूक नसीहत दे डाली है, जिसके तहत बीते दिन राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जातिगत जनगणना में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने सीमांचल और कोसी क्षेत्र में रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लेकर भी चिंता जताई है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि ये सर्वे है और सर्वे करने का अधिकार सभी को है, जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को ही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बिहार की सरकार अलग अलग बटी हुई नजर आ रही है। नियुक्ति तो हुई लेकिन शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर काफी होड़ हंगामा हुआ था, जिसके बाद ही शिक्षक नियोजन के छठे चरण के तहत राज्य भर में 43,000 शिक्षकों की नियुक्ति तो की गई। नवनियुक्तों को योगदान दिए हुए 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अब तक शिक्षकों को वेतन ही नहीं मिला है। इससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जिससे शिक्षकों के बीच में काफी नाराजगी है। बीते दिन ही NIOS DLED शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव ने बताया कि जुलाई 2021 और अगस्त 2021 में पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग हुई थी, इसके बाद फरवरी 2022 योगदान कराया गया। योगदान देने के 3 महीने बाद ही अब तक वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद ही जिला शिक्षा कार्यालय ने भी इस पर अपनी बात कही है। कार्यालय के अनुसार सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वेतन नहीं मिलेगा। अगले महीने से गंगा किनारे मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे लोग। अगर आप भी रोजाना सुबह सैर सपाटे के शौकीन हैं, तो अगले महीने से आपके पास मॉर्निंग वॉक के लिए एक और बढ़िया जगह होने वाली है। अगले महीने से ही आप गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। इसके लिए 5 किलोमीटर तक वॉकवे बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे पर दुधिया रोशनी के लिए लगभग 7 किलोमीटर में 500 स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है। शनिवार से एक्सप्रेसवे पर साइनेज लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि लोगों को एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी हो सके। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जेपी सेतु से पीएमसीएच की तरफ आने वाले एक्सप्रेसवे पर पुल के पास से ही वॉकवे बनाने का काम शुरू किया गया है। लोगों को मॉर्निंग वॉक करने के लिए एक्सप्रेसवे के गंगा छोर पर फेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना के लिए वीआईपी देगी 5 करोड़। बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद ही अब जनगणना करवाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जल्द ही सरकार भी काम शुरू करने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक इस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी ने घोषणा की है कि बिहार में जातीय जनगणना के लिए सरकार को मदद करेगी। भले ही वीआईपी को सर्वदलीय बैठक का हिस्सा नहीं बनाया गया हो, लेकिन वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसका बोझ सरकारी खजाने और आम जनता पर नहीं पड़े। इसको लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी हमेशा से बिहार में जातीय जनगणना कराने के पक्ष में रही है और अब मदद करेगी। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का स्केड्यूल हुआ जारी। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की चर्चा के बीच अब जल्द ही बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन इसको लेकर स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही यह सत्र 24 जून से शुरू होगी। कैबिनेट में लिए गए आदेश के बाद बीते दिन जारी किए गए स्केड्यूल के तहत विधानमंडल का सत्र 24 से 30 जून तक चलेगा। इस दौरान सदन की 5 बैठक होगी, यानी कि अब बिहार विधानसभा के 6वें सत्र की शुरुआत 24 जून से होगी, वहीं समापन 30 जून को होगा। इस दौरान 5 बैठकें होंगी। 24 जून को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापना होगा। बिहार में लागू होगी न्यू टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आगामी 8 जून को न्यू टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लागू किए जाने का ऐलान किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के अधिवेशन हॉल में आयोजित टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट में इस पॉलिसी को भागलपुर के लिए वरदान के रूप में पेश करेंगे। इसका अहम कारण भागलपुर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा केंद्र है। सबसे खास बात यह है कि पॉलिसी के लागू होते ही यह देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर इस तरह के पॉलिसी को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि 8 जून को होने वाले टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट में काफी संख्या में इन्वेस्टर भाग लेंगे। इस पॉलिसी को पहले ही कैबिनेट से पास कर दिया गया है।
CIPETC और नाइपर के छात्रों को औद्योगिक क्षेत्र में एक साल का इंटर्नशिप। बिहार में अब CIPETC और नाइपर के छात्रों को औद्योगिक क्षेत्र में एक साल के इंटर्नशिप का मौका मिलने वाला है। इसका ऐलान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और खाद्य उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। केंद्रीय मंत्री की माने तो इससे छात्रों का स्किल प्रत्यक्ष रूप से डेवलप हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, स्थानीय विधायक अवधेश सिंह आदि मौजूद थे। नाइपर के सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि एक पॉलिसी बनानी है, लेकिन इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के 5 साल का रोडमैप तैयार होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने हाईवे के किनारे पब्लिक टॉयलेट बनाने का दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन बिहार सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया है कि साफ सुथरा शौचालय की उपलब्धता हाईवे के किनारे करवाई जाए। इसको लेकर कोर्ट ने बिहार सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया कि इस दिशा में अविलंब कदम उठाते हुए उचित अंतराल पर पेट्रोल पंप, ढाबों और रेस्टोरेंट के परिसर को साफ सुथरा, स्वच्छ जल युक्त शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए समुचित उपाय करे। कोर्ट ने लिखा है कि हाईवे के किनारे मर्द औरत बेशर्म होकर निपटते रहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज इसे स्वीकार नहीं करता। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराए। कोर्ट ने मानवाधिकार घोषणा पत्रों के हवाले से कहा कि यह स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधा सिर्फ हाईवे पर सफर करने वालों को ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक का अधिकार है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब 1659 में आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुस्तफा 1664 को द्वितीय तुर्की का सुल्तान बना। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत में 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में हुई। भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने 2002 में खारिज किया। अमेरिका ने भारत और चीन को 2008 को निगरानी सूची में डाला। उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 1972 में हुआ। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता N.M. जोशी का जन्म 1879 में हुआ। अमेरिकी लेखक ओ हेनरी का निधन 1910 में हुआ। प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन का निधन 1942 में हुआ। पाकिस्तानी स्टार तेज गेंदबाज ने उमरान मलिक पर कसा तंज। IPL 2022 यानी लीग के 15वें सीजन में सनराइजर हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने अपनी घातक गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए उन्होंने बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया। हालांकि अपनी गति के चलते उमरान लाइमलाइट में पिछले सीजन ही आए थे, लेकिन IPL 2022 उनके लिए ड्रीम सीजन रहा। 14 मैच में उन्होंने 22 विकेट चटकाए। उमरान की गेंदबाजी और गति के मुरीद होकर क्रिकेट के गेंद दिग्गजों ने उनकी जमकर तारीफ की और अभी तक उनको लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने उमरान मलिक को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। शाहीन ने उमरान पर तंज कसते हुए कहा कि यदि आप गेंद को स्विंग नहीं करा सकते तो गति आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अब इंस्टाग्राम पर बना सकेंगे 90 सेकंड की रील्स। इंस्टाग्राम ने रील्स की लंबाई अब 90 सेकंड तक बढ़ा दी है। पहले ये सिर्फ 60 सेकंड के लिए फिक्स थी। इंस्टाग्राम ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि हम रील्स की लेंथ को 90 सेकंड तक बढ़ाकर आपको रील्स पर अधिक प्ले टाइम्स दे रहे हैं। आपके पास अपने बारे में और अधिक शेयर करने, एक्स्ट्रा बिहाइंड द सीन फिल्माने, अपने कंटेंट की बारीकियों के बारे में गहराई से बताने या उस अतिरिक्त समय के साथ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए अब आपके पास ज्यादा समय होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार, जयप्रकाश, मोहम्मद एलेक्स, मंटू कुमार, राहुल चौहान, प्रीति रॉय, जीतन कुमार, गजेंद्र सिंह, राजबली कुमार, गगन यादव, गुड्डू कुमार, रविकांत 1023, दिवेश कुमार, सुरेश रॉय, उमेश यादव, विभीषण कुमार, आयुष कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का सबसे पसंदीदा राजनेता कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।